मध्य प्रदेश में लागू आचार संहिता का असर अब नवरात्रि पर भी देखने को मिल रहा है। इंदौर के प्रसिद्ध बिजासन मंदिर पर रात 10 बजे मंदिर बंद होने का बोर्ड लगाया गया है, जिस पर कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेस का कहना है कि नवरात्रि में प्रदेश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर में पहले की तरह व्यवस्था बहाल की जाए। वहीं उन्होंने प्रशासन के अपने फैसले पर पुनः विचार करने की मांग की है। माता मंदिर पर खड़ा हूँ और जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने एक नियम बनाया है कि रात्रि को 10 बजे माता जी के कपाट बंद हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये निर्णय को तत्काल बदलने की मांग कांग्रेस पार्टी भी करती है और इंदौर शहर के सभी धर्म प्रेमी जनता जो माता जी की भक्त हैं। 9 दिन के नवरात्र में ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता था, मगर अभी निर्वाचन आयोग और आचार संहिता के कारण मंदिर को 10 बजे रात्रि को बंद करने का निर्णय लिया गया है। निश्चित रूप से मेरा सभी राजनीतिक दलों से निवेदन है, समाज सेवाओं से निवेदन है और सभी धर्म प्रेमी जनता से निवेदन है कि कृपा करके माननीय कलेक्टर महोदय से, जिला निर्वाचन अधिकारी से निवेदन करें कि मंदिर कपाट को आचार संहिता से दूर रखें, क्योंकि सभी धर्मालु 9 दिन तक माता जी की आराधना करने के लिए आते हैं। कई लोग पैदल आते हैं, कई लोग अपनी मान्यता मानने के लिए आते हैं। अगर 10 बजे मंदिर बंद होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों की भावनाएं आहत होगी। इसलिए माननीय निर्वाचन अधिकारी से निवेदन है कि मंदिर को 10 बजे रात को बंद करने का निर्णय को वापस लिया जाए।